Khan presents Comedy Circus Ka Jadoo, Sar Chad Kar Bolega. Lekin aaj, main kuch nahi bolungi. Yahan har koi kehta hai ki is manch par anchor sirf sajawat ki cheez hai. Aur bejaan cheeze kabhi bolti hai kya? Lekin yahi hai is manch ka chamatkar. Aaj yahan bejaan cheeze bhi bolengi. Hamare object special mein. और ऑब्जेक्ट स्पेशल में सबसे पहले तालियां लोखंड की बॉडी लेकिन हीरे का दिल अर्चना पुरान सिंह और इनकी हॉटनेस के आगे माइक्रोवेव भी ठंडा पड़ जाता है शेखर सुमन और अब स्वागत एक ऐसी हस्ती का जिनके इशारों पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स क्या बेजान चीजें भी चाहती हैं नाचना और ये उनसे कहती हैं मैं हूँ ना जिनके आगे बड़े-बड़े तीसमार खान करते हैं ओम शांति ओम please welcome the director फराह खान hi welcome to comedy circus का जादू फराह thank you Thank you. My favorite show, Comedy Circus. Yeah. Archana, Shekhar, love you all. Thank you. Love you too. ये मेरी दूसरी, I think पहली बार मैं आई थी जब मेरे बच्चे दो महीने के थे और अब वो almost तीन साल के होने वाले हैं and I'm very happy that आप लोग ने मुझे फिर वापस बुलाया है. We are also really really happy to have you. अच्छा फराह जी हमें ये बताइए सारे superstars को आपने अपने इशारे पर नचाया है आज यहाँ किसे नचाएंगी? मैं तो यार ये रुमाल को भी नचा सकती हूँ. Really? देखना चाहोगी? हो जाए। Ready? Yes. One, two, three, four. Woo! Four. Three. Super! Come up. इधर जा रहे हैं भाई। रुमाल को भी नचा दिया। रुमाल क्या है यार? मैं तो पत्थर से भी डांस करवा सकती हूँ। Please मुझे भी सिखाइए ना। I mean एक step। मैंने पत्थर कहा था। तुम्हारा ज़रा मुश्किल लग रहा है मुझे। I mean अब मुझे हंसना है, रोना नहीं है। Please अपनी जोड़ियों को बुलाओ और please कॉमेडी का जादू शुरू कीजिए। चलिए डन हम आपको खूब हंसाएंगे। मैंने जितना बोलना था बोल लिया। अब देखें हमारी पहली जोड़ी कौन से ऑब्जेक्ट से बुलवाती है। डूबते को तिनके का सहारा होता है, लेकिन अगर डूबने वाली हो भारती तो तिनके को कौन सहारा देगा भाई? चलिए देखते हैं कौन डूबता है और कौन बचता है। Please welcome भारती as a self and अभिषेक as various characters। मुझसे प्यार करते हो और फ्रेम खाली लेके घूमते हो। डार्लिंग मैंने सोचा कि अपनी आँखों से तुम्हारी तस्वीर खींच के इस फ्रेम में लगा दूँ। सच? हाँ। तो फिर खींचो ना। दिखाओ। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। अरे क्या बात है? I love surprises। ये देखो तो सही। कितना बड़ा कार्ड लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए और इसमें मैंने अपने हाथों से कुछ लिखा है। पढ़ो ना। Wishing you for your every happy moment. बस 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 मुझे पता चल गया तुम कितनी क्लास पढ़े हो। तुम मेरे लिए सिर्फ ये कार्ड लेकर आई हो? मुझे तो लगा तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आओगी। जैसी तुम्हारी शक्ल है ना तुम्हें गिफ्ट देना ही पड़ेगा। ये लो। ये तो गिफ्ट है। जल्दी दिखाओ इसमें क्या है। अरे देखो तो सही कितनी स्वीट्स लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। ओ पंखुड़ी तुम कितनी अच्छी हो। चलो यहाँ से कहीं दूर चले। हाँ दूर रहने तो आजकल अर्चना को पास का ढंग से दिखाई नहीं दिया और अगर दूर चले गए तो फिर हो गया। कल मुझे देख के क्या कह रही थी, कहती है ये जैकी चैन इतना सूजा सूजा क्यों लग रहा है? जैकी चैन छोड़ ना, छोड़ ये सब बातें। तुम कहाँ दो प्यार करने वालों के बीच पराए मर्द को लेकर आती हो?
तुम परसों बोल रहे थे कि आज तुम मुझे एक फिल्म दिखाने लेके जा रहे हो, उसका क्या हुआ? कहाँ से दिखाता, तुमने बनने कहाँ दी? मेरे कहने का मतलब है बेबी, फिल्म तुम कभी भी देख लेंगे, पर जो आज तुम्हें मैं दिखाने लेके आया हूँ पहले वो तो देख लो। देखो ना कितनी खूबसूरत जगह है उसे छोड़ के। ये पानी कितना साफ, खाक साफ है। थोड़ा आगे जाकर देखो कितने लोग लोटा लेकर बैठे हुए हैं। अगेन तुम्हें ये कैसे पता? मुझे कैसे पता? अरे मैं खुद सुबह सुबह मैं बता रही हूँ कि मैंने खुद सुबह सुबह कितनी बार अपनी आंखों से देखा है। अच्छा अच्छा, खैर वो सब बातें छोड़ो ना जानू, एक बात बताओ ना। बोलो ना। तुम्हें तैरना आता है? नहीं आता, लेकिन मैंने बहुत बार तैरने की कोशिश की। जब भी तैरने के लिए छलांग लगाई वहां पे 7-7 फीट के कुएं बनाकर लौटी हूं मैं। वेरी फनी, मजाक अच्छा कर लेती हो, पर मुझे तैरना आता है, मैं डूब नहीं सकता कभी। अच्छा 5-6 बार ऐसे डायलॉग बोलो, तुम अकेले क्या, साथ में मुझे भी लेकर डूबोगे? डूबने से मुझे याद आया, मुझे पकड़ू। डूबने से मुझे याद आया हम शादी कब कर रहे हैं। मेरे घर वाले तुम्हें बहू मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे डैड तो मुझमें काफी इंटरेस्टेड हैं। कितनी पसंद थी मैं उनको, कितनी पसंद थी। हाँ लेकिन मम्मी मना कर रही हैं, कह रही कि इतने महंगाई के जमाने में इतनी सारी बहू का क्या करेंगी। इतनी सारी बहू, तुम भूल गए मैं तुम्हारे काके की माँ बनने वाली हूँ। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे पहले से डाउट था। इतनी बार कहा तुम्हें बाबा शेखू के पास जाओ, लेकिन तुम माने हो? खुद तो गए नहीं हो, कभी मुझे भी नहीं जाने दिया। He is very hot. अरे नहीं नहीं, मैं वो वाला नहीं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है ये कैसे हो सकता है? भूल गए वो तूफानी रात जब चारों तरफ अंधेरा था, अभी पप्पू घर से निकला ही था कि तुम आ गए। ये पप्पू कौन है? अबे घर से निकला उसे ही पूछ ले। क्या? मेरा नौकर पप्पू। मौसम इतना सुहावना था कि मैंने उसे छुट्टी दे दी, और जैसे ही तुम मेरे घर आए फिर ये बच्चा मेरा नहीं है। वैसे कैसे कर सकते हो, तुम ही लास्ट बच्चे से जिससे मैंने पूछा नहीं था। क्या? मेरा मतलब पैस से पूछ लिया, डॉक्टर से पूछ लिया, सबने कहा ये कक्का तुम्हारा है। तू झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा नहीं है। वोडाफोन के सिम पे एयरटेल का नंबर चिपकाने की कोशिश कर रही है। देखो तुम्हें इस बच्चे को नाम देना पड़ेगा। खबरदार जो आज रात के बाद मुझसे मिलने की कोशिश की तो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ जैसी सेक्सी लड़की को ठुकराया। हाँ ठुकराया। तेरा तो जीना ही नहीं बनता, चल मर पानी में। ए मेरा बर्गर, मेरा बर्गर। मोटी देखा, जो दूसरों के साथ खराब करता है भगवान उसके साथ खराब करता है। मुझे तो तैरना आता है, मैं तो बच गया तेरा क्या। शेखर उधर क्या मुंह खोल के बैठे हो, फटाफट मुझे बचाओ और ये वाला गाना गाओ। कितना मजा आया, शेखर पानी में भी लड़कियों को नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मैं, तू कौन है? मैं तिनका। तिनका? ए इधर मैं मर रही हूँ, तू अपने बाप गिनवा रहा है। ए नहीं नहीं वो नहीं, वो कहावत नहीं सुनी, डूबते को तिनके का सहारा, तो वो वाला तिनका हूँ मैं। तो खड़ा खड़ा मेरे मुंह क्या देख रहा है, बचा मुझे। एक बात बता, जब तेरे को तैरना नहीं आता तो कूदी क्यों नदी में? कॉमेडी तो तेरे को भी नहीं आती, कभी मैंने पूछा कि तू इस शो में क्यों कूदा? मैं चाहे जैसी भी कॉमेडी करूं लेकिन सब डूब तो तू ही है ना। प्लीज मुझे बचा लो। ऑलरेडी तेरी वजह से नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। देख बेचारी मछलियां कैसे घबराई घबराई घूम रही है, परेशान है कि ये अचानक से नदी में चाइनीज व्हेल कहां से आ गई? चाइनीज व्हेल? मेरे तो खाने का टाइम हो गया है, फटाफट मुझे अपना हाथ दे। मेरा हाथ था ही क्या? अरे नहीं, खींच के ऊपर आऊंगी,
चलती थे हाथ। अबे खींच साले, तू मुझे बचा रहा, मैं तुझे नहीं बचा रही। अच्छा, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। अबे उस साले, तू फेविकोल की ऐड कर रहा है, ढंग से खींच मुझे। बचाओ, बचाओ। मैं बच गई, बचाओ, बच गई, मैं बच, बचाओ। अभिषेक अवस्थी, डांस करना बड़ा आसान होता है, कॉमेडी में पता चला ना, जब मैं डूब रही थी तो खड़े खड़े बातें कर रहा था, अब बताओ। बचाओ। अब एक्ट में भी मैं बचाऊं और पानी से भी मैं बचाऊं। कोई आइडिया लगाने दे, रुक बचाती हूँ, एक दो तीन। भाई भाई, थैंक यू सो मच, आपने क्या आइडिया लगाया। अरे तुम क्या समझते हो कि मोटी लड़कियां सिर्फ खाने में दिमाग लड़ाती हैं? इंडस्ट्री में दो ही मोटियां फेमस हैं और इंटेलिजेंट, मैं और फराह खान। एक मिनट, एक मिनट, अर्चू भूल गया, नाराज हो गई ना बेबी। तीन मोटियां फेमस है, मैं, फराह और अर्चू। थैंक यू। अर्चना जी, आपकी हंसी तो रुकी नहीं रही थी। मेरी क्या, सबकी हंसी नहीं रुक रही थी। There was a moment when I think almost tears were coming out of my eyes. Brilliant performance, Avasthi. She is of a great standard, and you are right there. You are right there. So it's a huge compliment for you, Abhishek. And one thing I have to say for the writing, this was a very creatively conceived act. Just superb. Farha. सब डांसर्स कॉमेडी कर रहे हैं यार, और बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, और कॉमेडियन जो है वो माइंड ब्लोइंग डांस कर रही है। भारती, मेरी नेक्स्ट फिल्म में आइटम सॉन्ग जरूर तुम करने वाली हो। और मार्क्स देना मुझे अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से 10/10 तुम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कि आप इतने लोगों को नचाया है, आप जरा मेरे साथ आके थोड़ा सा, चलो। भारती, यू वर सिंपली आउटस्टैंडिंग। अर्चना हमेशा कहती रही है कि मैं तुमको घर ले जाना चाहती हूँ, मैं तुमको घर ले जाना चाहती हूँ, मैं आपके घर आना चाहता हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट्स तो मिल गए, अब स्कॉर्स की बारी। अर्चना जी, स्कॉर्स आपको मिलते हैं 10 points. शेखर जी, भारती, आई हाय, आहा, 10 points. तालियां भारती और अभिषेक के लिए, प्लीज, थैंक यू सो मच। दीवारों के कान होते हैं, ये तो आप सबने सुना होगा, लेकिन दीवारों की जुबान होती है, ये कभी सुना है? और हमारी इस दीवार की जुबान तो ऐसी है कि अच्छे भले लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। और दीवार की कहानी उसी की जुबानी सुनाने आ रहे हैं हमारी वाइल्ड कार्ड जोड़ी राजीव ठाकुर एंड काव्या। पराजी, पिछले हफ्ते मुझे जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दी, पूरे पूरे नंबर दिए, इन्होंने एक नंबर कम करके मुझे एलिमिनेट करा दिया। और वजह क्या बताई मुझे, कहते हम घर से कैमरे लेके आए थे किराए पे, और तूने अपने पार्टनर को पूरे कपड़े पहना दिए। आगे से नहीं पहनाऊंगा कपड़े पूरे। दीवारों से ये मत पूछो, दीवारों पे क्या है। खुश खुश। साल ये मैं उनसे माफिया मांग रहा, तू पूरी ढक के आ गई है। आप टेंशन मत लो, मैं हूं पोस्टर लगाने वाला, ये खुश करे ना करे, मैं ऐसे ऐसे पोस्टर लगाऊंगा, ऐसे ऐसे पोस्टर लगाऊंगा कि आप ना खुश हो जाओगे। मैंने सुना था दीवारों के कान होते हैं। ये दीवार देखो,
इसका तो सब कुछ है. आंखें, नाक, होंठ, गला, गले की खराश. अब मुझे पता चला कि पंकज उदास क्यों कहते हैं दीवारों पे सर रख के रोना अच्छा लगता है. हाय, मैं भी सर रख लूं. अरे सारे, मैं कामयाब हूं. परफेक्ट है मुझे तेरा, आज से सही रोल मिला. जैसे तेरे पथरीले एक्सप्रेशन है, तेरा दीवार बनना ही बनता था. मेरे एक्सप्रेशन पथरीले? शेखर जी आप बताइए, मेरे एक्सप्रेशंस पत्थर जैसे? उन्हें क्या पता, उन्होंने तो आज पहली बार तेरा मुंह देखा. देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे गाड़ी खड़ा करना मना है. गाड़ी भी मुझे करना ही नहीं एक्ट. तो मेरी एक्ट करने की बारी है, स्टेज पे गाड़ी भी नहीं खड़ा कर सकते. कॉमेडी सर्कस सुधर गया? ओए मुझे तो डर है कहीं कॉमेडी सर्कस फैमिली शो ही ना बन जाए. अब लगाता हूँ पोस्टर, ऐसा लगाऊंगा ना कि सब खुश हो जाएंगे. कहाँ लगाऊं पोस्टर? साले एंजॉय मत कर. अबे मैं एंजॉय नहीं कर रहा, इनको एंजॉय करा रहा हूँ. ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात तो ले. अब करो एंजॉय. तुझे एंजॉय कराना नहीं आता? एंजॉय कराना नहीं आता? करा. शेखर से हाँ हाँ. अब करो एंजॉय दिन भर के. एक मिनट, ऐसा पोस्टर लाया ना. अरे क्या ऐसा पोस्टर, ऐसा पोस्टर कर रहा है? कौन सा पोस्टर लाया? मैं पोस्टर लाया हूँ 30 मार खान बाय फराह खान. कौन फराह खान? फराह खान इंडिया की पहली क्विक सर्विस लेडी. क्विक सर्विस? हाँ. मतलब 3 साल का काम 1 साल में कर देती है. अरे इसका मतलब क्या हुआ? अरे मतलब 3 साल लगने से 30 मार खान को 1 साल में बना दिया. हालांकि सलमान खान भी बीच में है. अच्छा इतना क्विक काम ऐसे कैसे कर दिया? अरे उसके लिए ना मैंने एक पोस्टर लाया हूँ, उसकी भी एड मैं ही करूंगा. बाबा बंगाली प्रेजेंट्स, मर्दाना ताकत हासिल करें. अरे ये अर्चना के डोलों पर संजय दत्त का मुंह किसने चिपकाया? डोले पहचान लिए, मुंह नहीं पहचाना इसने. ये संजय दत्त है, धर्मिंदर है. वैसे भी औरतें थोड़ा ऐसी ऐड करती हैं, मर्दाना ताकत हासिल करो. देख लो अर्चना जी, मैंने आपको मर्द नहीं कहा. बिल्कुल. अब भी आपने नंबर नहीं दिया ना तो जाओ फिर, आप मर्द ही हो. आपका महीने का 600 रुपया शेप पे खर्चा है. जाओ फिर. पता है वैसे शेखर जी, इसी की ऐड करके इनका घर चल रहा है. कॉमेडी सर्कस में तो पिछले जन्म का पाप भुगत रही है कोई. वरना क्यों बातें सुनेंगी टके टके के लोगों से? तू क्यों हंस रही है? तू भी तो टकेगी है. यार पोस्टर कहाँ लगाऊं? ए ये सब लगा के ना इधर मेरी साइड कवर नहीं करने का. अबे इसको छोड़, साइड तो मैं कवर करूंगा तेरा ना, एक पारिवारिक फिल्म का पोस्टर लगा के. आ ये लो फिर. वो ये पारिवारिक फिल्म है? हाँ, इसी फिल्म से तो पता चला था कि परिवार बढ़ाने के लिए उत्सव मनाना जरूरी है, भगवान की दया से परिवार नहीं बढ़ते. ओ इसमें तो शेखर जी की जवानी की फोटो है. शेखर जी कोई ऐसा तरीका नहीं जोड़ी में से सिर्फ एक बंदा एलिमिनेट हो. तो मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, आपने तो मुझे एलिमिनेट कर देना. उसकी टांग देख लेनी है, मुझे टांग देना है आपने. बेवकूफ, जवानी तो अभी आई है उनपे. ये तो कोई पुरानी फिल्म है नहीं. तो पुरानी फिल्म का पोस्टर क्यों लगा रहा है? अबे फिल्म पुरानी है लेकिन शूटिंग तो इसकी अभी तक चल रही है ना. अभी तक क्यों? अब ऐसी फिल्म की शूटिंग कौन बंद करे? उत्सव एक बार लग जाए ना तो मजा आ जाता है. सबका फोटो देख के तू क्यों नाचने लगा? अबे नाच नहीं रहा हूँ, मुझे सूसू आया हुआ है. अरे यहाँ कर लूँ? ए ये क्या कर रहा है? प्लीज कर रहे देना. अरे ये कोई सूसू करने की जगह है? यहाँ यहाँ देख क्या लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? यहाँ पेशाब करना? नहीं नहीं वहां तक तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा. और क्या लिखा? रेशमा की जवानी द्वार फिट है मुँह तेरा. शीला की जवानी लिखती, उनसे कह के मैं 2 नंबर एक्स्ट्रा ले लेता. रेशमा की जवानी लिखती, मुझे करने दे प्लीज प्लीज प्लीज. अरे और कोई मेरी प्रॉब्लम समझो यार, दीवारों को स्मेल भी तो आती है. अच्छा मैं करूँ तो स्मेल आती है, वो करने आ जाए कोका कोला का प्लांट लगा के जाते यहाँ पे. ओ, देखो प्लीज 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 मत करना. आप
आपकी आपकी वजह से ये सब हो रहा है. आपने वो कौन सी फिल्म थी, नाम बता जल्दी. अनुभव. अनुभव फिल्म में जो ट्रेन सेट किया था, हर मर्द को ये लगता है दीवार के पीछे औरत है, दीवार गिरा दी. साली दीवार तो वो भी गिरा देते, उनके तो रस्ते में कुर्ता आ गया था. वरना दीवार तो गिरा ही देते. वो दीवार भी नहीं गिराते और मुझे पता है हमें भी नहीं गिराएंगे. क्यों, नंबर देंगे सही. सर सिफारिश, हमें ना इतने नंबर दे दीजिए. इधर भी कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूंगा. नंबर सर प्लीज हमें इतने नंबर दे दीजिए. अरे इतने. मैं थोड़ा सा वो हो गया था एंकर, जिसने आज तक नंबर सही नहीं पकड़े. अर्चना जी कैसा लगा हमारा वाइल्ड कार एंट्री का कमबैक? काफी वाइल्ड तुम्हारी एंट्री, काफी वाइल्ड तुम्हारा ये एक्ट था. काम्या आपने बहुत खूबसूरती से अपना ये दीवार का रूप धारण किया. राजीव आपका स्टैंड अप बहुत बढ़िया था. आई थिंक दैट द राइटिंग वाज इंटरेस्टिंगली डिफरेंट. वेल डन. राजीव तुम पहले से ही मेरे फेवरेट हो, बहुत बहुत अच्छे हो तुम. तुम्हारी कॉमिक टाइमिंग एफर्टलेस है. एंड काम्या आई एम शॉक्ड एट यू, यू आर सो गुड. क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा काम्या पहले मेरे साथ डांस किया करती थी. और तभी हमें मुझे पता नहीं था कि वो दो लव्स भी बोल सकती है कि नहीं. तो आई एम रियली शॉक्ड एट हाउ गुड यू आर. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू. शेखर जी. राजीव आई ऑलवेज टोल्ड यू जो भी आप करते हैं बहुत अच्छा करते हैं. एंड काम्या यू हैव यू नो बीन प्लेइंग दैट डम बिम्बेट सो वेल. आप कम भी बोलती हैं पर उतनी असरदार रहती हैं. सो टुगेदर यू मेड अ फैंटास्टिक पेयर एंड अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग एक्ट. अब बारी है फ्लाइंग स्क्वॉश की. अर्चना जी आपको मिलते हैं 9 points. शेखर जी आप दोनों के बगैर ये शो अधूरा अधूरा सा था. सो वेलकम बैक. मिलते हैं सीधे पकड़ा 9 points. अर्चना अब से आपका हर वक्त जंक फूड खाना बंद. क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके खाने पर रोक नहीं लगा रही. मैं तो कह रही हूँ कि आप खाइए, लेकिन आप आइसक्रीम खाइए, कुल्फी खाइए, रबड़ी खाइए, क्योंकि हमारे सेट पर आ गया है रेफ्रिजरेटर. प्लीज वेलकम कपल एज फ्रिज एंड मुक्ति एज वेरियस कैरेक्टर्स. ओ ये फोन नहीं लगता. हेलो 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 गुलगुल इलेक्ट्रॉनिक्स. जी मैं बिजली बोल रही हूँ अंधेरी से. माल हो गया मैडम अंधेरी से बिजली. ये तो वो बात हो गई कि व्हाइट हाउस से सुरेंद्र बोल रहा है. शट अप. मैंने एक फ्रिज ऑर्डर किया था और अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है. अगले 20 मिनट में नहीं हुई ना तो मैं एक पैसे नहीं दूंगी. फ्रिज ऑर्डर किया कि पिज्जा ऑर्डर किया? फोन रख. अरे वाह फाइनली मेरी फ्रिज आ गई. चलो पहले मैं इसका स्वागत तो कर दूं. ए मेरे को आग लगाने लगी तू. देखो मेरी फ्रिज आ गई. जय फ्रिज देवी. ये तो देव लग रहा है. ये क्या कर रही हो? अरे चुप बैठ. ये देखो मैं तुम्हारा स्वागत खाली मोमबत्ती से नहीं फूलों से करूंगी. हैप्पी बर्थडे. वैसे इससे समझ नहीं आया ये आप इतनी देर क्यों आए. देखिए मैडम देर वेर कोई नहीं, आप बताइए इस घर की मालकिन कौन है? जी मैं हूँ इस घर की मालकिन. नाम क्या है? बिजली. करंट तो है नहीं. लगाऊंगी कान के नीचे. आप मेरी मालकिन हो? ऑफ कोर्स. बिल दिखाओ. मेरा बिल दिखाओ. किधर है बिल? दिखाओ. ओ शिट वो तो मैं लेना ही भूल गई. बिल नहीं लिया? नहीं. तुम जैसी औरतें होती 200 रुपए बचाने के लिए हमारा बिल नहीं लेती. उधर देखो शेखर किसी लड़की से हाय हेलो भी करता तब भी बिल मांग लेता है. मेरा बिल लिया नहीं तभी कहूँ मेरे अंदर कूलिंग क्यों नहीं हो रही. बिल लिया नहीं अब तो मैं गड्ढा लाऊंगा ही लाऊंगा. इधर आते रही साले पूरे फर्श पे मार्बल है यहाँ गड्ढा कैसे आ गया? जो इतने एपिसोड से इतने गड्ढे आए वो कौन सा पहाड़ी इलाकों में शूटिंग की थी? गड्ढे तो आते ही. शेखर साहब ये मैं क्या देख रहा हूँ उधर पमेला एंडरसन आई आप इधर बैठे हुए. आपको पता है जब से सुरेंद्र को पता चला ना पमेला आ रही है
सारी रात अंधेरी स्टेशन पे खड़ा रहा। मैंने इसको जाके बताया, बेवकूफ वो तो एयरपोर्ट पे आ रही है, इस पे तो उसका सामान आ रहा है। कहता पाजी गरीबों को सामान ही देखने को मिल जाए। होगी सारी बातें, अब चल किचन में चल चुपचाप। इतनी खूबसूरत लग रही, किचन में क्या पब में चलते चलो। ए, चुपचाप कोने में जाके खड़ा हो जा। उधर नहीं खड़ा होना मैंने। क्यों? उधर सिलेंडर पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ? उसको साले को जब देखो गैस की प्रॉब्लम रहती है, मैंने नहीं रहना उधर। मुंह बंद रख अपना। अच्छा अब मुझे ना सामान रखने दे। जो मर्जी रखो लेकिन मेरे अंदर कपड़े बिल्कुल नहीं रखने। कपड़े रखता ही कौन है फ्रिज में? क्यों नहीं रखता, मैं एक साल घर में रहा हूँ इमरान हाशमी के घर में, अंदर अंडरवेयर ठंडे कर करके पहनता था। मैंने सोचा शुक्र है अंडरवेयर ठंडे करके पहनता तब ये हाल है। जैसा तू है ना इमरान, नहीं तुझे शक्ति कपूर के घर में होना चाहिए था। उसके घर में भी रहा था मैं एक दिन। घर में भी रहा था? फ्रिज पे भी गंदी नजर। मेरे को पता क्या बोलता है? मेरे को बोलता है तू फ्रिज है सारा दिन ठंडा रहता है, कभी गर्म नहीं होता। मैंने कहा जिस दिन मैं गर्म हो गया ना तेरे दूध फ्रूट सारा कुछ खराब हो जाना अंदर। मैडम नॉन वेज की शौकीन है आप? हाँ जी, मुझे नॉन वेज अच्छा लगता। मेरे अंदर बिल्कुल ना रखना। क्यों? नहीं मतलब मेरे को एलर्जी नहीं है, एक्चुअली मैं शौकीन बड़ा हूँ। मैं इतना नॉनवेज खाता हूँ ना, इतनी फैट हो गई, ये देखो मेरे दरवाजे कितने मोटे हो गए। फैट हो गया ना, तो तुम पानी पी लो। पानी? हाँ देखो फ्रिज में ना पानी रहता है तो फिर ऐसे फैट्स नहीं जाते। ये खाली कटोरियाँ क्यों रख रही है अंदर? ये खाली कटोरियाँ लग रही है, खाली कटोरियाँ लग रही है। और नहीं तो क्या? पानी है इनमें। कहाँ है पानी दिखाओ? ये देख, एक फूक मारती हूँ ना ऐसे पानी आता है। देखा ओ शिट, ये तो बाहर ही गिर गया। तू भी ना ट्रस्ट ही नहीं करता मुझे। मैडम। हाँ जी। और कुछ तो नहीं रखना फ्रिज के अंदर? नहीं पहले मुझे तुम बताओ कि तुम्हारे में कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी मैडम मौसम पे डिपेंड करती है। जैसे मतलब गर्मी हो तो बहुत ज्यादा कूलिंग करनी पड़ती है, सर्दी हो तो फिर मैं खुद लकड़ियां ताप के सेकता हूँ। ये कैसी फ्रिज है? खुद ही तापनी पड़ती ना मैडम। हमारी कौन सी फैमिली? फैमिली मैडम आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं, मेरा पति और दो बच्चे। एक पति बच्चे दो? तो कितने साल हो गए शादी को? 5 साल। 5 साल में? हाँ। दो ही बच्चे? तो उधर देखो 1 साल में 3-3। 1 साल में 3-3 बच्चे? हाँ तो 3 ही करेगी, डायरेक्शन भी तो करनी, सारा दिन प्रोडक्शन में थोड़ी ना लगी रहेगी। ले रहे इनकी फैमिली में? मैं सारी फैमिली को जानता हूँ, इनका। अच्छा? एक भाई भी पूछो। मैडम आपका एक भाई आता ना इंडिया गॉट टैलेंट में, क्या बना हुई सिलेक्शन फिर उसकी? वो उल्टी बात कर रहा है। अरे मेरा थोड़ी ना गुस्सा करती है, मेरे से बड़ा प्यार है इनका। अच्छा? जितना शाहरुख को प्यार करती है उतना ही मुझे करती है। अच्छा वो कैसे? देख लो ना शाहरुख को फिल्म मिल लिया ना मुझे। लेकिन मैडम मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मैं तो चलो कॉमेडी सर्कस में बिजी हूँ, उसको तो ले लेना चाहिए था आपको। अच्छा अच्छा ये सब बात छोड़, तू बता तेरी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी एक छोटी सी माँ है, फ्रिज है 15 लीटर की। छोटी फ्रिज? हाँ उसकी बचपन में शादी हो गई थी ना। अच्छा? हाँ फ्रिजों में भी बालिका वधू होती है, सिर्फ आप में थोड़ी होती है। अच्छा तुम्हारा बाप कौन है फिर? मेरा बाप जनरेटर। फ्रिज की शादी जनरेटर से हो गई? मैडम एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम का और क्या सपना हो सकता है, यही पति जनरेटर हो सारा दिन करंट देता रहे। लेकिन उसमें एक ऐप है मैडम, ऐप है उसमें, पीता बहुत है वो। पीता है? हाँ डीजल पीता है। डीजल पी के इतना धुआं छोड़ता है, इतना धुआं छोड़ता है ना, मेरी माँ बेचारी पतिव्रता होने के बावजूद रोज मुंह काला करके सोती है। लाइट को भी अभी जाना था। ओहो लाइट, आपके घर में जनरेटर नहीं है? नहीं है, पता नहीं कब आएगी। आई एम मिसिंग यू डैड। तुम्हारे घर में जनरेटर नहीं है? मिसिंग यू डैड। इट्स ओके। आई एम डैड मिसिंग यू। इट्स ओके, इट्स ओके। शेखर जी कौन कहता है स्क्रिप्ट में गड्ढे लाने जरूरी है, रिलेशन भी कई चीज होती है। देखो अर्चना। हाँ? हर बार कहती हो आई वॉन्ट टू टेक यू होम, टेक यू होम, ले क्यों नहीं जाती मुझे कहीं भी? ले जाओ किस दिन। हाँ? नहीं देखो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे घर में जाने का। हाँ? मैं तो तुम्हारा सोच रहा हूँ 4 दिन तुम भी फ्रिज का ठंडा पानी पी लो, तब तक घड़े में से ठंडा पानी निकाल निकाल के पीती रहोगी। थैंक यू अर्चना जी, आर यू टेकिंग द फ्रिज होम? Yes, I think now I have to take somebody home, otherwise मेरा नाम इतना बदनाम हो गया, और कितना बदनाम करोगे यार। मुक्ति यू आर वेरी नाइस, बट कपिल अगेन जो
आखिरी हिस्सा था इस एक्ट का वो माइंड ब्लास्टिंग था. वेरी गुड एंड आई रियली विल टेक यू होम नाउ. कपिल यू हैव टू कम होम. थैंक यू मैम. मुक्ति नो कपिल. फरहा, हमारी फिल्मी लैंग्वेज में कहते हैं दैट इज ऑलवेज बेटर, कि सेकंड हाफ हमेशा फर्स्ट हाफ से बेटर होना चाहिए. सो दैट हैपेंड इन योर केस एंड आई रियली रियली एंजॉयड द सेकंड हाफ. थैंक यू. थैंक यू शेखर. I would not consider this or rate this as one of your best acts, but it was certainly a very, very enjoyable act. Thank you, sir. Thank you. अब बढ़ते हैं स्कोर्स की ओर. अर्चना जी. 9 points. Thank you, ma'am. शेखर जी. आपको मिलते हैं 9 points again. ताजमहल, प्यार की निशानी, जिसे देखो गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए ताजमहल में ले आता है, प्यार का यकीन करवाने के लिए ताजमहल की कसमें खाता है. अरे क्या ताजमहल का दिल विल नहीं है? उसकी भी तो इच्छा होती होगी कि उसकी कोई हम सफर हो. इसलिए ताजमहल का स्वयंवर करवाने आ रहे हैं राजीव निगम एज ताजमहल एंड मनीष पॉल एज वेरियस कैरेक्टर्स. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना. इस देश में एक से खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत मैं हूँ. आहा, दुनिया के कोने कोने से लोग मुझे देखने आते हैं, लेकिन मैं तुझे देखने आई हूँ सुरेंद्र. आज तक मेरी शादी नहीं हुई. अर्चना जी, आपकी ही तरह मुझे भी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं औरत हूँ कि मर्द. लेकिन परसों जब शेखर जी ने मुझे घूर के देखा तो मुझे पता चला कि मैं औरत ही हूँ. और मैंने शादी करने का फैसला किया. एक से एक कमाल कमाल की टावर और बिल्डिंग्स आज मुझसे स्वयंवर करने के लिए आ रही हैं. हाय फरू, हाउ आर यू डूइंग? तुम्हारे लिए मैं कुछ प्यारा सा तोहफा लाया हूँ. इतनी अंधेरी रात में मैंने कहा मोमबत्ती तो जरूरी होती ना. लेकिन क्रिसमस भी आ रही है तो पूरा मजा होना चाहिए ना. माय गॉड, इतने बड़े बड़े गुंबद वाला, इतनी चौड़ी चौड़ी छाती वाला, ये लाल लाल इंसान कौन आया है? अरे मुझे नहीं पहचाना? जानू मैं तुम्हारा आशिक लाल किला. यमुना के किनारे से बैठ के तुम्हें देखा करता था. हाय अल्लाह, तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म मुझे आनी चाहिए, तुझे आनी चाहिए. कमाल है यार, ये संग मरमरी बदन लेकर चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे चांदनी में नहाती है. तुमने मुझे नहाते हुए देखा? अबे मैंने तो एक दो बार ही देखा है. मुझे फोन आता था कुतुब मीनार का दिल्ली से और कहता था हेलो, अबे आज देखा. कसम से ये कुतुब मीनार इतना कमीना है ना, किसी दिन मैं अपने चाचा बुलंद दरवाजे से कहकर जूते चलवाऊंगी इसके ऊपर में. नहीं छोड़ दो जानू, उन्हें बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बैक प्रॉब्लम है, बेचारे झुके खड़े रहते हैं. तुम सब कुछ छोड़ो, एक काम करो, मुझसे शादी कर लो. तुम सफेद, मैं लाल, ओए होए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रेड एंड व्हाइट बच्चे होंगे हमारे. जाओ, तुमसे शादी का वादा रहा. क्या बात है, शादी हो जाएगी. अच्छा वैसे ये बताओ, तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा ना? बस तुमने ये बहुत घटिया बात की है मुझसे. मैं ताजमहल हूँ, ताज होटल नहीं. लोग मुझे देखने के लिए आते हैं, स्टे कोई नहीं करता है. वेरी गुड. अच्छा ये बताओ, कोई रिश्ता विश्ता आया तुम्हारा? मेरे पास दुनिया के कोने कोने से रिश्ते आए थे. एफिल टावर का भी रिश्ता आया था. एफिल टावर का? हाँ. फिर क्या हुआ? मैंने कहा टावर कितना भी बड़ा हो लेकिन मुझे फिरंगी लोग पसंद नहीं है. अरे क्यों, फिरंगी क्यों नहीं पसंद? फिरंगियों में क्या इंटरेस्ट लेना, वो तो खुद ही छोटी छोटी चड्डी पहन के ताजमहल के आसपास इंटरेस्ट लेने के लिए आते हैं. ताजू जानू, और कोई रिश्ता आया था? रिश्ते तो एक से एक आए. इस देश की सबसे पावरफुल बिल्डिंग पार्लियामेंट ने भी मुझसे शादी का हाथ मांगा था. मुझसे कहने लगा जानू मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, जानू मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा. मैंने कहा हट, तू पार्लियामेंट है, सिर्फ वादे ही करेगा और 5 साल के बाद निकल जाएगा.
अच्छा जानू, और कोई रिश्ता आया था? हाँ, पीसा की मीनार का। पीसा की मीनार? हाँ, मैंने कहा जो खुद टेढ़ा है उसका कैरेक्टर कितना टेढ़ा होगा। सही कहा, बहुत अच्छा, तुमने सबके रिश्ते मना कर दिए, अब हमारी शादी हो सकती है। और तुम्हें तो पता है लाल किले का मैदान कितना बड़ा है, हनीमून वहीं पे होगा। नहीं लालू, वहां पे हनीमून नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पर हनीमून नहीं, 26 जनवरी की परेड होती है। और वैसे भी मैंने सुना है, मैंने देखा है कि 1947 के बाद से हर साल वहां पे झंडा कोई और ही फहरा। अच्छा ठीक है जानू, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। ये कपिल के जैसा क्या पिल्ला है? अरे गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। जा हट, कट्टी 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 कट्टी। जानू हाँ, लड़ाई नहीं करते। अच्छा ठीक है, लड़ाई नहीं करूंगी, वैसे भी लड़ाई झगड़े में क्या फायदा, किसका फायदा हुआ? अरे फायदा ही फायदा है, डॉली बिंद्रा को देखो। अरे वो मुटल्ली जो है कोई जानता नहीं था, आई मीन सेलिब्रिटी बनी घूम रही है, हैं दो चार गालियां दे देगी। अभी ना बिंद्रा बेचारा गोल्ड मेडल जीत के आया, कोई उसको जानता नहीं है, पर वो मुटल्ली को देख रहा है, अरे तेरी हो, तेरी हो, तेरी हो, और बढ़िया सेलिब्रिटी, कमाल की बात है यार, कमाल कर रही हो तुम। तुम झगड़े की बात कर रहे हो, मुझे अच्छे नहीं लगते हो, जाओ मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्यों? तुम झगड़ा की बात कर रहे हो? अच्छा तुम वहां ऊपर तो कितनी बार चढ़ाई भी हो चुकी है, लाल किले बड़ी ताजमहल बन रही है। हाँ। अबे बुढ़िया तेरे से शादी करेगा कौन? शक्ल देखिए तूने अपनी, मैं जाऊंगा किसी अमीर नई बिल्डिंग से शादी करूंगा। मुकेश अंबानी है ना, अरे इतनी लंबी बिल्डिंग बनाई है, वहीं जाऊंगा। नौ माले की तो पार्किंग ही पार्किंग है, वहीं जाके पार्क हो रहा हूं मैं। ये लड़ाई झगड़े करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो मोहब्बत और प्यार का पैगाम फैलाने वाली इमारत हूँ। शेखर जी, मुझे ऐसे ऐसे लोगों के फोन आए स्वयंवर के लिए, शादी रचाने के लिए, लेकिन मैंने किसी में इंटरेस्ट नहीं लिया। मुझे तो वो आदर्श सोसाइटी का भी फोन आया था, वो घपले और घोटालों से भरी हुई, कहने लगी जानू ताजमहल में तुम पे मरता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बोला हट, जो इमारत विधवाओं की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। अरे यार, एक तो ये जो शाहजहान है ना यार, इसने ये ताजमहल बनवा के ना यार हम गरीब बिल्डिंगों की वाट लगा दी है। नीता तू बड़ी खुश हो रही है, काले कपड़े पहन के हैं, लिपस्टिक लगाऊंगी, पहन के देख के चल के आ, कितना बड़ा मजा आता है। अबे तू कौन है गरीब इंसान? हेलो, अरे शक्ल देखो, पहचाना नहीं मुझे? भाई ये देखो, पेंट की पपड़ियां निकल रही हैं, सलिए बाहर निकले हुए हैं। अबे माहडा की बिल्डिंग हूँ यार। माहडा की बिल्डिंग, दो कौड़ी के इंसान। ये तू सुन, कुंबड़ी में आ जा, एंगेजमेंट कर ले। एंगेजमेंट कर ले ए बुड्ढे, एंगेजमेंट की नहीं, तेरी रीडेवलपमेंट की उम्र है, समझे? सुन ये बाहर के दिखावे में मत जा, अंदर कारपेट एरिया बहुत है मेरा। चल हट निकल ले, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। बुड्ढे कहीं के मुमताज रहती थी इसमें। हाँ, खुश है तू इस बात पे? ये तो मेरी बिल्डिंग इतनी कमाल की है, इसमें मुमताज आज भी रहती है। आज भी रहती है? हाँ। अबे यहाँ भी रहती थी, राजेश खन्ना रोज आता था। अच्छा, फालतू की बातें मत कर, पका मत, समझे? पुरानी बिल्डिंग कहीं की, एड़ी हटी नहीं कहीं की, चल रहे ताजमहल बनती है अपने आप को बहुत, समझे? चकल देखिए अपनी, दुनिया भर की इमारतें टावर वगैरह देख के बैठी है, हट कल मुंह ही कल की हट। ए मैं ताजमहल हूँ, तेरे को क्या कानपुर की घंटा कर लग रही हूँ क्या? मेरी खूबसूरती देख, मेरी मीनारें देख, और यकीन नहीं होता तो मेरे पिछवाड़े आके देख, बहती हुई यमुना देख। अबे तेरे से शादी करके मर रहे हैं मुझे, मरने की उम्र तेरी है समझे? मुझे देखो, यहाँ सरकार 5 साल तक बगैर सपोर्ट के नहीं चलती है, मुझे देखो 500 साल से ऐसी ही खड़ी हूँ मैं। 500 साल से ऐसी ही खड़ी हूँ, ऐसे ही खड़ी रहेगी 500 साल, तेरे हाथ पीला नहीं होगे। चलिए ताजमहल आइए, कहाँ ये सरकारी काम काजों से बनी हुई, और कहाँ मैं शाहजहां के नाजों से बनी हुई बिल्डिंग। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, दुनिया की जितनी भी बिल्डिंग और टावर थे, किसी ने मुझसे शादी नहीं की। अब मुझे यकीन हो रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ कमी है मेरी। मुझे आज बात याद आ रही है किसी की, किसी ने सही कहा था कि कौन कहता है ताज इसके की निशानी है, कौन कहता है ताज इसके की निशानी है, दरअसल वो खून है पर देखने में पानी है। अगर बादशाह को बेगम से मोहब्बत होती, गैर की अक्ल न मजदूर की मेहनत होती, अपने हाथों से बनाता तो हकीकत होती। और जर नहीं है तो ना कोई राजा है ना कोई रानी है, कौन कहता है ताज इसके की निशानी है। अ
अर्चना जी, कैसा लगा इनका अनोखा स्वयंवर? ये स्वयंवर भी अनोखा था, हमारा एपिसोड जो थीम पर बेस्ड है वो भी अनोखा है. राजीव, आपकी मेहनत, आपकी शिद्दत और आपकी जो सिंसियरिटी एंड ये डू और डाई जो जुनून है आप में, हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू. एंड फॉर दिस वन थिंग आई वुड लाइक टू स्टैंड अप एंड से ग्रेट जॉब. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू मनीष, यू आर आउटस्टैंडिंग, यू आर सुपर्ब. राजीव, तुम तो हो ही अच्छे. मनीष को मैं पहली बार ऐसे कुछ करते हुए देख रही हूँ. यू आर सुपर्ब मोर देन एनीथिंग के ताजमहल की शादी हो रही है. कोई यार या कोई पागल या कोई जीनियस ही सोच सकता है ये. तो सो फॉर दैट आई थैंक यू शेखर जी. राजीव, तुम्हारे बारे में खास ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारी कलम में बहुत शक्ति है, समाज को बदलने की ताकत है. आप जब भी करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और आप अपने काम की वजह से, और मनीष आप अपनी प्रतिभा की वजह से, आप लोग इस शो के आधार स्तंभ हो गए और दो बहुत ही मजबूत इमारत बन के उभरे. सो कीप ऑन विद द गुड वर्क. चलिए ताजू जानू के लिए स्कोर्स हो जाए. अर्चना जी, आपको मिलते हैं 9 points. थैंक यू शेखर जी. राजीव, ताज के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि ताज तेरे लिए मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे. एक सीधी सादी चीज, लेकिन इस सीधी सादी चीज को परेशान करते हैं लोग. प्लीज वेलकम आपकी लाडली जोड़ी सुदेश एज स्ट्रीट लैम्प एंड कृष्णा एज कौवा. खंबा हूँ थोड़ा गंदा हूँ मैं, पर अमिताभ सर से थोड़ा लंबा हूँ मैं. सर्कसों से मेरा मतलब है सड़कों से आज मैं टकरा गया. तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया. ओ, एक मिनट. और शेखर जी ठीक है? मुझे पता है आप आते ही मेरे से नाराज हो गए हो, क्योंकि लाइट जल रही है ना रात को ये. मुझे पता है कि आपको रात को रोशनी पसंद नहीं, क्योंकि टाइम पे घर पे पहुंचती नहीं है. लेकिन अब तो अनीता आ गई है. पहुंचना इसने भी नहीं, क्योंकि सुरेंद्र छोड़ेगा तो आएगी ना. मजाक किया, खुश नहीं होना ज्यादा. हेलो हेलो पापा. अरे पापा क्यों टेंशन लेते हो आप? अरे पापा मैं जानती हूँ रात के 12 बज गए हैं. अरे लेकिन आप टेंशन मत लो, आप आराम से घर पहुँच जाओगे. हाँ देखो, घर जाने के बाद सबसे पहले आप डिनर करना, और शराब वराब बिल्कुल नहीं. हाँ मेरी वाली. एक अकेली अबला नारी सुनसान सड़क के ऊपर, अगर कोई मुझे नहीं मिला तो मैं आज रात किसके घर जाऊंगी? मैं किसी को कॉल ही कर लेती हूँ. शेखर शुक्ला. ए लड़की, कॉल है तू? ए देख नहीं रहा मैं इतनी कॉल कर रही हूँ? मैं कॉल करूँ? कॉल सेंटर में काम करती हूँ. ये बकवास क्या कर रही है? खंबे के आगे जुबान लड़ाती है, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम संस्कृति है. और नाम तेरा संस्कृति है और काम इतने घटिया कर रही है तू? मेरा क्या कसूर है उसमें? पापा ने मेरे को मोबाइल लेके दिया है. तो पर तू आधी रात को यहाँ पे क्यों कॉल कर रही है? क्योंकि रात को कम चार्जेस रहते हैं. रात को क्या चार्जेस होते हैं? तू मेरे को ऐसी वैसी लड़की समझा है क्या? देखो तुम मुझे गलत खंबा समझ रही हो. मैं तो वैसे पूछ लिया भाई, तुम आधी रात को यहाँ पे फिर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ. पढ़ने आई हो यहाँ पे? अच्छा अच्छा
पढ़ने लिखने आई हो? पढ़ने लिखने से याद आ गया अर्चना जी, आपको याद है आज से 75 साल पहले जब आप 25 साल की थी, कॉलेज में पढ़ती थी। ये बहुत अमीर थी लेकिन गरीबी की वजह से इसको इस लाइट के नीचे आके पढ़ना पड़ता था। मेहनती बहुत थी, इतनी ताकतवर, ओए होए मजा आ गया। लेकिन जब इनको फुर्सत मिलती थी ना तो कभी कभी वो वाली किताबें भी पढ़ती थी। कोर्स वाली। एक बात बताओ। हाँ जी। मैं तुमको कैसी लगती हूँ? अच्छी कराने की लगती हो। और शक्ल से? अच्छे, सुनो ना। हाँ जी। खंबा भाई, इधर ना, रोड पे बहुत अंधेरा है। अच्छा। मेरे को उधर तक छोड़ दो ना प्लीज। कोई बात नहीं, हमारा फर्ज बनता है, हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं, लड़कियों को छोड़ने के लिए। चलो। एक मिनट भी जाना नहीं, मैं छोड़ के आया। I'm sorry. आज मुझे पता चला है ये लड़कियां जवान जवान लड़के क्यों ढूंढती हैं। मेरा सारा करंट इसने खत्म कर दिया है। फरा खान जी, आपकी 30 मार खान आ रही है तो अपने आप को ज्यादा 30 मार खान मत समझो। अगर आप 30 मार खान है तो इस प्रोग्राम का प्रोड्यूसर 20 मार खान है। तुम्हारी फीस नहीं दे रहा, मैं याद कर रहा हूँ, वो तो दे देगा अगले जन्म में। सही ये क्या काहे काहे कर रहा है तू? साले मैं अपने दोस्त से ब्लूटूथ पे बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ काहे काहे। ओ जैसी तेरी शक्ल है ना, इस हिसाब से तेरा ब्लूटूथ नहीं, तेरा ब्लैक टूथ बनता है। ए महिला तेरी भेड़ की। अब साला ये ऊपर चढ़ेगा। ओ तू मेरे ऊपर क्यों चढ़ गया? ओए ये साले, मैं दुबई का कौवा हूँ, ऊंची जगह पर बैठ के मजा लेने को आता है। शेखर जी देख लो, एक जमाना था लोगों पे खंबे चढ़ते थे, अब खंबों पे लोग चढ़ रहे हैं। ओए ओए उतर नीचे यार, ये फिर मेरे ऊपर गंदगी करेगा। वो कहना कि तेरी शक्ल ही कंबोड जैसी है ना। क्या करें। अर्चना जी आप तो कहती थी मेरी शक्ल सुरेंद्र जैसी है। खैर अच्छा किया तुमने क्लियर कर दिया, अब मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता। तूने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया यार। तूने तो अपने मन का बोझ हल्का कर दिया, मैं तो कम से कम अपने मन का बोझ हल्का कर लूं। ओ शिट यार, मैंने इंग्लिश सही बोली है। ओ ये मन का बोझ है? हमारे दुबई में इसे मन का बोझ ही कहते हैं। ओ यार दुबई से तू आया है? लेकिन आया क्यों है? दुबई से मैं अपने भाई को मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा। हाँ एक मिनट उसको फोन लगाता हूँ। हेलो। हाँ VIP। हाँ कैसा है यार? अरे तूने जो क्रीम दिया था ना मेरे को, अरे मैं बहुत गोरा हो गया हूँ। क्या तेरे को भी फर्क पड़ा है? कहता है क्रीम काली हो गई है। कौवा साहब एक बात बताओ। बोलिए। मैंने सुना है कौवे जहाँ पहुंच जाते हैं वहाँ पे मेहमान जरूर आते हैं। लेकिन ये क्या मेहमान पहले आ गए कौवा बाद में? ये शाने साले मैं खानदानी कौवा हूँ, हमारे कौवे मामा भी लेट आते हैं। अच्छा एक बात मैंने और बहुत सुनी है, कहते कौवे जो होते हैं बड़े मनहूस होते हैं, हैं? जहाँ ये पहुंच जाते हैं काम खराब होता ही होता है। अब तू चला जा यार, मेरा काम क्यों खराब कर रहा है? तेरा काम कभी खराब नहीं होगा। अच्छा? हाँ अभी मैंने तेरे मुंह पे पॉटी कर दिया, इससे ज्यादा क्या तेरा काम खराब होगा। तो यार मेरी किस्मत ही खराब है, कभी कौवा आके मेरे मुंह पे पॉटी करता है, कभी कुत्ता आके मेरी टांग पे सुसु करता है, मैं क्या करूं? अबे तू टेंशन काहे को लेता है, रोता काहे को है? उसके ऊपर बिजली का तार गिरा देना तू। ओ मैंने एक बार गिराई थी, बाद में पता चला वो सुसु करने नहीं आया था, तारों को देख के घबरा गया, फिर उसका सुसु निकल गया। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जाने का एक पुण्य का काम करने के लिए। अच्छा कौन सा पुण्य करेगा कौवा? ये कॉमेडी सर्कस का जो प्रोड्यूसर है ना विपुल डी शाह, उसको काटने को जाना है। अभी क्यों? क्योंकि तूने सुना नहीं है क्या, झूठ बोले कौवा काटे। मेरे को पता था जरूर काट लेगा, लेकिन कौवा विपुल को नहीं, विपुल प्रोड्यूसर कौवे को। आजा भी बाहर। अर्चना जी क्या कहेंगी आपकी लाडली जोड़ी के बारे में? वेरी वेरी इंजॉयबल वंस अगेन। एंड कृष्णा तुम्हें डांस करते हुए देखा है, तुम्हें कॉमेडी करते हुए देखा है, तुम्हें सब कुछ यहाँ पर करते हुए देखा है, लेकिन कभी नहीं थकते वॉचिंग बोथ ऑफ यू। नॉट माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग। वेल डन शेखर जी। ओ जी बोथ ऑफ यू कमाल कर देता, और तूती पाड़ के रुमाल कर देता है। वेरी वेरी इंजॉयबल, वेरी डिलिशियस एक्ट, लाइक ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी।
Hats off to both of you. Fantastic. Thank you, sir. Farha. Krishna and Sudesh, जब इतिहास में जोड़ियों की बात होगी जैसे धर्म जी हेमा जी एंड मे बी अक्षय कतरीना वैसे कृष्णा और सुदेश की जोड़ी लिखी जाएगी इन हिस्ट्री फॉर मी यॉल आर माई फेवरेट जोड़ी सुपर जोरदार तालियां कृष्णा और सुदेश के लिए चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर तालियां फरहा जी के लिए